जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ब्रेन अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बिजनेस मैथ कोर 1429 पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 और इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन ये सारी अब एक्सरसाइज कवर करें। तो कल लेक्चर नहीं हो सका था, तो इसलिए कल वाले क्वेश्चंस भी मैं आज करवाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो आज हमने जो मेथड डिस्कस करना है सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो उस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, स्क्वायर को कंप्लीट करके हमने सेकंड डिग्री इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, पहले जो मेथड्स आपको डिस्कस हम कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन, जो का था आपका लेक्चर नंबर 3, और उससे पहले जो मेथड था वो था आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दे सकते हैं। ठीक है, लिंक्स हम दे देंगे तो आप वहाँ से लेक्चर्स देख लीजिएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करना, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, ये जो वाई स्क्वायर से पहले कोफिशेंट 2 आ चुका है, इसको आपने यहाँ से ख़त्म करना है। ठीक है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये यहाँ पे कोफिशेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, हमें यहाँ पर लिखूँगा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ये जो 2 है इसको हम दोनों तरफ से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, इक्वेशन के इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये 2 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं कैसे कैंसिल होता है। देखें जी, 2y² over 2 + 5y over 2 - 3/2 विच इज़ इक्वल टू 0/2। देखिए 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास जो इक्वेशन बच गई वो आपके पास है y² + 5y/2 - 3/2 विच इज़ इक्वल टू 0, समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमने क्या करना है जी, ये जो कांस्टेंट है इसको हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है। ठीक है, y² + 5y/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2। ठीक हो गया, y² + 5y, सिंपल क्या किया है, इस माइनस को जब मैं उधर लेके गया तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है जी, अब यहाँ पे जो मेन स्टेप करने वाला है स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, आपने क्या करना है जी, y² देखते जाइएगा आप क्या होने लगा है, +5/2y विच इज़ इक्वल टू 3/2। अच्छा, मैंने तब वही कुछ लिख लिया, अब क्या करें, अब आपने ये करना है जो y का कोफिशियंट है, तो y का कोफिशियंट कितना है 5/2। ठीक है, y का कोफिशियंट कितना है 5/2, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। तो ये क्या बन गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 5 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, ये बन गया 5/4। दोबारा बता रहा हूँ, y का जो कोफिशियंट है वो है 5/2, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 5/4। इसका स्क्वायर लें, इसका जब आप स्क्वायर ले लेंगे तो आप इसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के उस तरफ भी ऐड कर देंगे। ये आपका बन गया 5/4 का स्क्वायर, और इधर भी आप ऐड कर देंगे 5/4 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट देखें, y लिखें, फर्स्ट टर्म लेनी है और लास्ट टर्म लेनी है। फर्स्ट टर्म में y, कोई स्क्वायर्स नहीं लगाने। अब आपने यहाँ पे पहली टर्म ली और उसके बाद आपने लास्ट टर्म ली। अब दरमियान में देखें, दरमियान वाली जो रकम अलामत कौन सी है, प्लस की है, तो यहाँ पे प्लस लगा दें, इसको ब्रैकेट में बंद करें और ऊपर स्क्वायर लगा दें। ठीक है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, 5 + y + 5/4। जब आप इसको ओपन करेंगे
इस फार्मूले से a प्लस बी के होल के स्केयर के फार्मूले से बनेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फार्मूले की तरफ नहीं चलते, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है क्या करना है। फर्स्ट टर्म लिखनी है, लास्ट टर्म लिखनी है विदाउट स्क्वेयर्स, और दरमियान में आपने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो आपको बताएगा कि मिडिल टर्म के साथ कौन सी अलामत है। अगर मिडिल के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, आपने ब्रैकेट लगा के ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। अब दूसरी तरफ चलें, 3/2 प्लस हो गया, अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, इसका अब हमने लेना है एलसीएम, y प्लस 5/4 का स्क्वायर। आपको पहले भी मेथड ये करवा चुका हूँ, एलसीएम कैसे लेते हैं। अब देखें कैसे लेना है एलसीएम, ये रफ फॉर्मूल में कर रहा हूँ, 2, 16 सबसे छोटी टर्म होती है 2 पे इसको डिवाइड करवाएं, 2 1/2, 2 8/16 फिर 2 पे, 1 वैसे आ गया, 2 4/8 फिर 2 पे, 1 वैसे, 2 2/4 फिर 2 पे, 2 1/2 इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2/4, 4 2/8, 8 2/16। तो इसका जो एलसीएम नीचे आ गया, फैक्टर्स हमने बनाए उससे आपके पास आ गया 16। अब आपने 2 का टेबल पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, जब तक 16 नहीं आ जाता। हम 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, 2 × 8 = 16। अब ये जो 8 आया है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 8 3/24। अब 16 का टेबल पढ़ना है कब तक, जब तक 16 नहीं आ जाता। 16 × 1 = 16, तो ये जो 1 आ गया इसको अपने मल्टीप्लाई करवा देना है 25 से। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, y प्लस 5/4 का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड करें, ये हो जाएगा 5 और 4 9 हो गए, 2 2 आपके पास 4 हो गए, ओवर 16। जी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलें, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ताकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। y प्लस 5/4 का स्क्वायर, इसके ऊपर ले लें आप स्क्वायर रूट, और इस साइड पे भी आप ले लें स्क्वायर रूट 49/16। हमेशा देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, आपके जो टर्म बच गई y प्लस 5/4 विच इज़ इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। हमने साथ में प्लस माइनस भी लगाएंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/4, इस टर्म को इधर ले आएंगे, ये इधर आके माइनस 5/4 हो जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस का सॉल्व करेंगे, तो जगह हमारे पास काम पड़ गई है। मैं इसको वापस बाकी क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो आपके पास आ गया y इज़ इक्वल टू, पहले प्लस लिखने लगा हूँ, प्लस 7/4 माइनस 5/4। ठीक है, अब माइनस तक करेंगे, माइनस 7/4 एंड माइनस 5/4। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब नीचे टर्म सेम आती हैं तो वही आपके पास नीचे एलसीएम आ सकता है, आपको वो मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 4 को 4 से कट जाएगा, ये भी कह सकते हैं, या 4 का आप टेबल पढ़ें, 1 तक तो 4 आ जाता है, तो 1 है, उसको आप ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आपने 4 का टेबल 1 तक पढ़ा तो फिर 4 आ गया। ठीक है, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा, तो आपके पास 7 में से 5 निकाल लें, आपके पास 2 बच गए। ठीक है, और ये आपके पास काट दें तो 2/4 तो आ गया आपके पास 1/2, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब दूसरी तरफ चलें, फिर आपने एलसीएम लेना है, 4 आएगा यहाँ पे, -7 आ जाएगा यहाँ पे, -5 आ जाएगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पे आया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आएगा,
तो ये आपके पास आ गया -7 और -5, दोनों के साथ माइनस की अलामतें हैं, इनको हम जमा करेंगे लेकिन अलामत माइनस की आएगी। 7 में जब 5 जमा करते हैं तो 12 आता है, लेकिन 7 में अलामत माइनस की आएगी, बटा 4, 4 3 बार 12, y इज़ इक्वल टू -3। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए, y इज़ इक्वल टू 1/2 एंड y इज़ इक्वल टू -3। तो इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1/2 और -3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। जी तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए कर दिया, जो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी एक्स की, सॉरी वाई की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की तरफ चल रहेंगे। हमने वही मेथड अपनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, अब यहाँ पे एस का वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें अब आपने एस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि जो पहली टर्म में यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, उससे पहले 2 लगा हुआ था, हमने उसको ख़त्म किया था, ठीक है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करके। अब यहाँ पे एस स्क्वायर से पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए अब हमें वो तरीका करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम नीचे किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हमें ऑलरेडी ही सहूलत दे दी है, एस स्क्वायर को अलहदा रख है, इसका कोई कोएफिशिएंट उसने नहीं लगाया। अब हमारा जो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे कह सकते हैं वो ये है कि -3/4 को हम इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस एस बाय 4 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब आपने देखना है कि इस एस और एस एस के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है। अब देखिएगा, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/4s, ठीक है, s 1 से मल्टीप्लाई होगा तो s ही होगा ना, तो इसको इसलिए मैं 1/4s भी लिख सकता हूँ। तो यानी s 4 को हम 1/4s भी लिख सकते हैं। तो s के साथ जो कॉफिशेंट है वो है 1/4। अब इस 1/4 को देखिए, पिछले क्वेश्चन भी खड़ा है उसको भी ज़रा माइंड रखिएगा, 1/4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2, पिछले क्वेश्चन में था 5/2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया था 1/2 से, हर क्वेश्चन में इसी तरह ही करना है, ठीक है। जो डिग्री 1 वाला आपके पास जिसकी पावर 1 है, जो वेरिएबल है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो इधर 1/4 है तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 1/2 से, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/8। तो इसका आपने स्क्वायर लेके दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो ये फिर मैं अब रेज कर देता हूँ क्योंकि वाइट बोर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 1/8 आ गया था आपके पास, एस स्क्वायर प्लस 1/4s प्लस 1/8 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ही ऐड कर दिया, देखें 1/8 का स्क्वायर। अब लास्ट जो ट्रिक आपको बताई थी, सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लेनी है, लास्ट टर्म क्या है 1/8 है, दरमियान में अलामत कौन सी लगानी है, जो दरमियान वाली रकम के साथ है, दरमियान वाली रकम कौन सी है, प्लस है तो प्लस लगा दें, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करें और ऊपर स्क्वायर लगा दें, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, 3/4 प्लस 1/8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक हो गया। अब हमने इस साइड को सॉल्व करना है बाय एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पे चलते हैं जी, तो s प्लस 1/8 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब इस बटे के नीचे क्या आएगा उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। तो डिवीजन का मेथड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो देखें 4 और 64 की डिवीजन करेंगे, 4 और 64 की, तो इसको हम 2 पे सबसे पहले करेंगे, 2 2 बार 4 और 2 2 बार 4, 2 6 बार 12, ठीक है, 26 2 बार 64 होता है, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2 और 2 3 बार 6 और सिंपल फिर 13 पे चला जाएगा, 13 1 बार 13 और 13 किसी पे भी नहीं जाता। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 बार 4 और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स 64 ही आएगा,
ठीक है, तो ये आपके पास 64 आ गया। अब चार का आपने टेबल पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपके पास क्या आ जाए, 64 आ जाए। अब चार का टेबल हमें पढ़ने के लिए डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है, टेबल पढ़ने के लिए कितने पे जाएगा, तो 64 को अंदर रखें, चार पे डिवाइड करें, चार एक बार चार, दो हाथ साल फिर चार नीचे उतर गया और चार छः बार 24 ही आ गया आपके पास 16, और 16 को आपने ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवा देना है। 16 तीन बार कितना होता है जी, 16 मल्टीप्लाई तीन, तीन छः बार 18, एक असल तीन एक बार तीन और एक चार, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 48, ठीक है। अब हमने 64 को 64 पे डिवाइड किया तो 1 बच जाएगा, अब 1 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये 1 ही आ जाएगा, तो आपके पास s प्लस 1 ओवर 8 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49 ओवर 64। ये चीज़ फाइंड करने के मैंने आपको दो मेथड्स बता दिए, जो पहले क्वेश्चन में था वो मेथड और था, इसमें मैंने आपको बाय डिवीजन भी बता दिया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो बटे के नीचे वाली टर्म होती है इसको अंदर रखें, और जो इधर से बटे के नीचे वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म इसमें चार है, चार पे डिवाइड करें, या आपके पास आ गया 16, जो 16 आएगा इसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दोबारा इसको अंदर रखेंगे 64 को, और अब डिवाइड करवाएंगे इसको हम इस 64 से, इसको अंदर रखेंगे और इससे डिवाइड करवाएंगे, आपका एक आंसर आ जाएगा, जो एक आंसर आएगा इसको हम ऊपर वाली रकम से यानी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो अब हम दोनों तरफ लेते हैं जी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एस प्लस 1 ओवर 8, तो आपको पता है कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 64 का 8 होता है, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, अगर नहीं पता तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास होनी चाहिए, आप लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो ये ज़रूरी है। तो अब हम 1/8 दूसरी तरफ लेके आएंगे। हाँ जी, मुझे ये भी याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका बताया, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। तो अब देखें 1/8 को हम इस तरफ लेके आए, अब हम एक दफ़ा प्लस से सॉल्व करेंगे, अब एक दफ़ा माइनस से सॉल्व करेंगे, एस इज इक्वल टू 7/8 माइनस 1/8, ये प्लस के साथ हो गया, एंड एस इज इक्वल टू माइनस 7/8 एंड माइनस 1/8, एक दफ़ा 7 के साथ प्लस आ गया, एक दफ़ा 7 के साथ माइनस आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो जब मैंने कहा था सेम टर्म्स हैं तो वही नीचे आएगा। अब यहाँ पे दोबारा ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ गया, 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 में से एक निकाला, 6/8 इसको काट दें, 2 3/6, 2 4/8, 3/4 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इस तरफ, वही सेम 8, 8 को 8 पर डिवाइड किया, एक आ गया, एक ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7, ये दरमियान वाला माइनस, 8 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, एक ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ गया, माइनस 1 और माइनस 7 कितना हो गया जी, माइनस 8, क्योंकि दोनों टर्म के साथ क्या है, माइनस है तो प्लस करेंगे लेकिन अलामत माइनस वाली आएगी, ओवर 8, 8 8 से कट गया, आपके पास s इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो आपका जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो आपके पास आ गया 3/4 और माइनस 1, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए भी कर लिया और पार्ट बी भी कर लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी से कवर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और हम कल लाइव आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। तो इस चैप्टर के नोट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप नोट्स और असाइनमेंट्स लेने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने किया हुआ है तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।